नमस्कार, मैं जगन्नाथ कुमार और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरें। खबर सिवान से है, जहां पर हरदिया मोड़ के समीप एक घर में छत पर खेल रहे दो बच्चे हाई वोल्टेज के तार के चपेट में आ गए और उनका पैर झुलस गया। फिलहाल आनन फानन में घर वालों ने उन्हें सिवान सदर अस्पताल लाया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि छत के ऊपर से गुजरती हुई तार में एकाएक करंट आ गया और देखते ही देखते दोनों बच्चे उस करंट की चपेट में आ गए। वहीं बिजली विभाग ने यह कहा था कि इस तार में करंट नहीं है। घर वालों ने कई बार मना किया कि छत के ऊपर से तार ना लेकर जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग की मनमानी के चलते छत के ऊपर से तार गई थी, जिससे आज दो बच्चे की जान जाते जाते बची है। फिलहाल एक की हालत तो ठीक है, वही दूसरी की हालत नाजुक है। बच्चों लोग खेला था, कोई पर ला गई लवे, वही से हो गई लवे। तारवा के ऊपर कैसे गिर गई लवे, जे आग ला गई लवे ऊपर, जरे लगो ला तो ला मैं बच्चों लोग दोनों जाना के हो गई लवे। का ये जी बालो गा देना दोनों जाना, दोनों जाना है इनका। 7 साल के बोल उनको, 2 साल 2 महीने के बोल मगदून सराय में।